जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस बार वर्ष 2024 में 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, जिनकी समाप्ति 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगी। नवरात्रि के पहले दिन भक्त पूजा आराधना और व्रत रखने से पहले कलश की स्थापना करते हैं। नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है, खास तौर पर तब आप नवरात्रि के व्रत भी रखने वाले हों। ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना का धार्मिक महत्व क्या है और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी शुभ काम को करने से पहले कलश स्थापित करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि कलश में सभी देवी देवताओं के साथ सभी तीर्थों का निवास माना गया है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भोलेनाथ और मूल भाव में ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। साथ ही कलश के बीच वाले भाग में समस्त देवियां निवास करती हैं। घट को ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। कलश को घर में स्थापित करने से घर में सभी वासु दोष दूर हो जाते हैं और घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कलश स्थापित करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। अगर शुभ मुहूर्त में स्थापना की जाती है तभी शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस बार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर दिन बुधवार की रात्रि 12:20 से और समाप्ति होगी 3 अक्टूबर मध्य रात्रि 2:58 पर। कलश की स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि में की जाती है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर दिन गुरुवार सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना की जाती है, जिसका मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से 12:33 तक। आप दोनों मुहूर्तों में किसी भी समय में कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश विसर्जन किया जाएगा 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से 5:00 तक के बीच में। कलश की स्थापना के लिए आप जहां भी पूजा करना चाहते हैं उस जगह को सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद कलश में जल भरकर उसके मुख पर आम के पत्ते लगाने चाहिए। आम के पत्तों की संख्या 5, 7 या 9 होने चाहिए और फिर नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर कलावे से बांधकर कलश के मुख पर रखना चाहिए। फिर कलश पर रौली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, जिसे 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। फिर कलश के जल में सुपारी, अक्षत, सिक्का, हल्दी की गांठ और इत्र डाला जाता है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद माता रानी की पूजा करने के साथ साथ हर दिन कलश में स्थापित कलश में वास करने वाले देवी देवताओं की पूजा और ध्यान भी करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय माता दी।